गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसका आयोजन डीएवीपीजी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की ओर से किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हम एक इंटरनेशनल वेबिनार में बिजी थे, इसलिए मैं आपके बीच सेशंस को लेकर के नहीं आ पाया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। तो जो अगली चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट टू के पेपर में हमें समझना है, वो है 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 में हमको देखने को मिलता है। अब हमें समझना होगा कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान किए गए, जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्रधानमंत्री पद की सर्वोच्चता और संसद की संप्रभुता को दिखला रहा था। साथ ही साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि वो 42वें संविधान संशोधन में ऐसे कई प्रावधान किए गए जो कहीं पे आगे चल के कालांतर में अनावश्यक साबित हो रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में बहुत से ऐसे अनावश्यक प्रावधान थे जिनको परिवर्तित करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इस 44वें संशोधन अधिनियम को पारित किया। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, आइए उस चीज पर हम आकलन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज हमको समझ में आती है इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, वह है अनुच्छेद 31 में दिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर देना और अनुच्छेद 19 में दिए गए संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर देना। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इस संवैधानिक संशोधन में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। दूसरी जो बड़ी बात इसमें देखने को हमको मिलती है, वो है ध्यान देने वाली बात, अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को आपातकाल में स्थगित न किए जाने की व्यवस्था करना। यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, वो आपातकाल में अब स्थगित नहीं किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान इस संशोधन के अंतर्गत किया गया। तीसरी बड़ी बात जो दोस्तों हमको देखने को मिलती है संविधान संशोधन के अंतर्गत, वह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, या यूं कहें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में कई तरीके के परिवर्तन हमको देखने को इस संवैधानिक 44वें संविधानिक संशोधन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या क्या आता है। जैसे पॉइंट ए अगर हम देखें राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के व्यापक संदर्भ में, तो आता है कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द का उपस्थिति वहां देखने को मिलती है। या यूं कहें राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352 में, जिसमें हम आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का को रखा गया, जिससे एक नए तरीके की शब्दावली देखने को मिलती है। उसके बाद पॉइंट बी पर हम क्या देख पाते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352 में ही आपातकाल की उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श की आवश्यकता होगी, ऐसा कहा गया इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। साथ ही साथ पॉइंट सी में हम क्या देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा किए जाने पर एक माह के भीतर ही संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया, और साथ ही साथ इसे लागू रखने के लिए जो अवधि दी गई वो 6 महीना और बाद में इसे बढ़ाकर 1 वर्ष की स्वीकृति देने की बात की गई। यानी जो आपातकाल होगा वो कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 1 वर्ष का होगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आपको कि आपातकाल के बारे में भी, उसकी अवधि के बारे में भी इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत व्यापक बातचीत की गई। जैसा मैंने बताया कि आपातकाल की घोषणा किए जाने के एक माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति लेनी होगी, और इसे लागू करने पर हर 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यह भी इस संवैधानिक संशोधन की एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद क्या हम देखते हैं पॉइंट डी के रूप में देखते हैं कि आपातकाल की समाप्ति की बात की गई इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये ध्यान दिया गया कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इसको समाप्त करने की भी विधि की बात की गई, इसको समाप्त करने की तरीके की भी बात की गई इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत।
आइए स्टूडेंट्स फिर हम और आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं। जो पॉइंट ई हमारे सामने देखने को मिलता है वो आता है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 घोषित राष्ट्रपति शासन संसद से 2 महीने के अंदर ही स्वीकृत हो जाना चाहिए और साथ ही साथ इसे एक बार में 6 महीने और अधिक से अधिक 1 वर्ष का होना चाहिए। ये भी इस संवैधानिक संशोधन में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया। जो अगली बात इस संवैधानिक संशोधन में हमको देखने को मिलती है दोस्तों, वो मिलती है निवारक निषेध संबंधी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, यानी जो डिटेंशन एंड अरेस्ट से संबंधित बातचीत थी उसमें यह परिवर्तन किया गया कि किसी भी अरेस्ट या डिटेंशन की मैक्सिमम अवधि 2 महीने से अधिक की नहीं होगी। पूर्व में यह 3 महीने की थी जिसे घटाकर 2 महीने की कर दिया गया इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। तो अगली बात जो दो स्टूडेंट्स हम समझते हैं वो है पॉइंट जी के रूप में, वो है कि 38वें संवैधानिक संशोधन को या उसके अंतर्गत दिए हुए कई ऐसे प्रावधानों को समाप्त किया गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो बात कही गई कि आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे भी रद्द कर दिया गया। यानी आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकने की अनुमति इस संवैधानिक संशोधन में प्रदान की गई। इसके बाद पॉइंट एच में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल द्वारा किए गए किसी भी परामर्श को राष्ट्रपति पुनः मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, इसका प्रावधान किया गया। परंतु साथ ही साथ यह भी जोड़ा गया कि पुनर्विचार के बाद यदि वह प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति जी के पास दोबारा पहुंचता है तो उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा या इसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। पॉइंट आई की ओर हम बढ़ते हैं। पॉइंट आई जो आता है संवैधानिक संशोधन में वो आता है कि इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 39वें संवैधानिक संशोधन के उन प्रस्तावों को भी रद्द कर दिया गया जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन संबंधी वाद विवाद को किसी भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। यानी फिर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर के चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ गए। और अंतिम और महत्वपूर्ण सुझाव जो इस संवैधानिक संशोधन में हमें देखने को मिलता है वह है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जो पहले 6 वर्ष था उसे पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो ये रहा दोस्तों कुल मिलाजुला के भारतीय संविधान में हुए 44वें संविधान संशोधन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। बेहतर होगा कि आप एक बार और किताबों को पढ़ें और डिटेल में जाकर इस चीज को पूरी तरह से समझें। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।